जो अपने बीबी को और माँ को नहीं संभाल सकता वो देश को संभालेगा? किसान दुखी, जवान दुखी, मजदूर दुखी, नेता दुखी, उसके अपने नेता दुखी। मोदी जी का एक काम है, पैसे किधर से छीने जाए। 20 तारीख से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा आज तक यहाँ पर ये पूछने के लिए नहीं आया। सरकार ने हमारी जो अनदेखी कर रखी है, इसके लिए हम लोग बहुत निराश हैं। कलम भी उनकी थी और अधिकार भी उनका था, जिस कारण हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है। जो हमारी ओआरओपी के संबंध में जो मांगे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई भी भरोसा नहीं दिलाया गया है। हमारे साथ भेदभाव पहले भी होता रहा, लेकिन इस बार इतना ज्यादा भेदभाव कर दिया कि हमको बिल्कुल बर्फ में लगा दिया है। वही बीजेपी फिर 3 पे चली जाएगी अगर यही हाल रहा। आज 50वां दिन है और आज भी भारत के जो जवान हैं वो धरने पे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पे हैं। तमाम लोग धरने पे आते हैं, आंदोलन करने के लिए आते हैं, कभी किसान, कभी जवान, महिलाएं, धर्म को लेके, नरेगा को लेके आए दिन जंतर मंतर पे धरने देने के लिए। लोग अपनी हक और अपनी जो हक की मांग करने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन जवान की हालत ये है कि ये लोग 50 दिन से यहाँ पे हैं और इनकी क्या मांग है आप अगर पुराने वीडियोस देखें तो आपको मालूम होगा। एक बार फिर से हम इनसे बात करेंगे कि 50 दिन हो गए हैं, क्या सरकार की तरफ से कुछ बात आई है, सरकार ने आपकी बात मान ली या मानेगी, कब तक मानेगी, ये सारी बात आप। आज 20 फरवरी से और आज 9 अप्रैल हो गया है और लगभग हमको 50 दिन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। जो हमारी ओआरओपी के संबंध में जो मांगे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई भी भरोसा नहीं दिलाया गया है, जिससे कि हमें विश्वास हो कि ये ओआरओपी में हम सफल होंगे। लेकिन चाहे सरकार हमारी पूर्व सैनिकों की अनदेखी कर ले, हम पूर्व सैनिक हैं, किसी ने 28 साल, किसी ने 32 साल और किसी ने 17 साल, 24 साल नौकरी करके सेना में आए हैं। और सरकार को ये पता होना चाहिए कि एक सिविल जब 38 साल काम सेना व सिविल में नौकरी करता है तो उसका 48 साल होता है, लेकिन हम 24 आवर्स वहाँ पर ड्यूटी करते हैं और अगर हम 28 साल करके आते हैं तो हमारा 56 साल गिना जाता है। इस आधार पर जो सिविलियंस है, जैसे कि अभी हमारे ये खान साहब थे, उन्होंने बताया यहाँ पर कि हमारा उनका 38 साल का नौकरी 38 साल ही होगा, लेकिन हमारा 28 साल का नौकरी 56 साल माना उनसे ज़्यादा नौकरी होता है, क्योंकि हम 24 आवर्स और बहुत विषम परिस्थितियों में नौकरी करते हैं। हम सरकार के इस भारतीय की रक्षा के लिए राजस्थान की तपती रेत में -40 डिग्री में इंसर्जेंसी J&K में नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पर सेवा देते हैं, और जब कहीं हिंदुस्तान के अंदर माँ भारती के अंदर आपदा आती है वहाँ पर हम अपना पूरा सहयोग देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने हमारी जो अनदेखी कर रखी है, इसके लिए हम लोग बहुत निराश हैं। लेकिन हम एक सैनिक होने के नाते हमारा मुद्दा जिस प्रकार से होता है कि एक गोली एक दुश्मन, हम जब तक हमारी एक गोली हमारी मैगजीन में होती है तब तक हम उस दुश्मन को नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार हम अपने ओआरओपी के लिए, अपने सम्मान के लिए, जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं दिए जाते हैं, हमारा यहीं पर हमारा खुद जान चली जाए, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ये हमारा सरकार से मांग है। आप कह रहे हैं सरकार से मांगे, एक तरफ जब प्रधानमंत्री बॉर्डर पे जाते हैं जवानों को उत्साह बढ़ाने के लिए, जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री खुद बॉर्डर पे जाते हैं, साथ में मिठाइयां खाते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग हैं। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हर समय उनकी जुबान में सेना रहती है। और हमने देखा है कि वो बार त्योहार जो भी यहाँ पर
दिवाली, दशहरा जो हमारे त्यौहार होते हैं उस समय वो सेना पर, बॉर्डर पर सेना के साथ होते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 23,000 करोड़ रुपया ओआरओपी के लिए दिया और आपने ये भी कहा था कि जो परम्यूचर रिटायरमेंट है जितने भी सेना के जवान, क्योंकि सेना का जवान एक 18 साल या 17 साल करने के बाद घर आता है और जो परम्यूचर रिटायरमेंट है उनको भी इस ओआरओपी का लाभ दिया जाएगा। लेकिन ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपने ओआरओपी तो दिया है लेकिन इसका जो मिस हुआ है, ये जवानों को उसका लाभ मिला नहीं है, जबकि यहाँ पर लगभग 97 लाख पूर्व सैनिक हैं। और कह रहे हैं कि हमेशा मोदी जी के जवान पे जवानों का नाम रहता है, फिर भी ये हालात आप लोगों को 50 दिन हो गए, जब आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? जो ये है कि जो पैनल बैठाया गया था, जो उसमें टोटल अधिकारी थे, उसमें हमारे सिपाही से लेकर के सुब्रदार मेजर, ऑर्डिनरी कैप्टन, लेफ्टिनेंट, उनमें उस पैनल में कोई नहीं था। कलम भी उनकी थी और अधिकार भी उनका था, जिस कारण हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है। अभी तो मोदी जी को पता चल ही गया होगा क्योंकि संसद आपके बहुत पास है और उनको मालूम होगा कि सेना के जो जवान है वो यहाँ पे 50 दिन से धरने पे है, फिर भी वो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? यही बात हमारी समझ में नहीं आ रही। आप बताएं सर, क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग, हम जितने भी यहाँ पर पूर्व सैनिक आज बैठे हैं जंतर मंतर पर धरने में बैठे हैं, तो आप लोग जो हमारे लिए हमारी आवाज़ को संसद तक, सरकार तक पहुंचाने में जो हमारी मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं, हम सब लोग पूर्व सैनिक आपके आभारी हैं कि आप लोगों ने हम सैनिकों की आवाज़ को वहां तक, सरकार तक पहुंचाने के लिए आपने जो यहां पर वो अपना आप लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी मीडिया कर्मियों का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जब से 20 तारीख से हम लोग यहां पर बैठे हैं, ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा आज तक यहां पर ये पूछने के लिए नहीं आया कि हमारे सैनिक जिन्होंने पूरी जिंदगी भर अपनी सेवाएं सीमाओं में दी, लड़ाइयां लड़ी, श्रीलंका में, कारगिल में 71 की लड़ाई, वो सैनिक यहां पर बैठे हैं जिन्होंने सन 71 की, 65 की कारगिल की लड़ाई, 99 में श्रीलंका के अंदर लड़ाई लड़ी है और देश के अंदर भी। जो क्यों नहीं मान रहे सरकार, जो मोदी जी जो अभी इन्होंने कहा कि मोदी जी के जवान पे हमेशा जवानों का नाम रहता है, तो क्यों नहीं मान रहे सरकार? मोदी जी के जवान पे हमेशा जवान का नाम रहता है, सेना का नाम रहता है, तो क्यों नहीं मान रही आपकी बात सरकार? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमें पता नहीं चल रहा है कि मोदी जी इसको इसमें क्यों संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। और हमें एक और भी दुख की बात हो रही है कि यहाँ पर जो भी राष्ट्रीय चैनल हैं वो हमें यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, ये भी हमें यहाँ पर एक अफसोस की बात है कि इसमें सरकार न जाने क्या कर रही है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है ऐसा कहते हैं प्रधानमंत्री की, हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो किसका विकास? जवान भी यहाँ है, किसान भी यहाँ है, महिलाएं भी यहाँ है, मजदूर भी यहाँ है, तो किसका विकास हो रहा है? वही हमारा कहना है कि जैसे मोदी जी का मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और सबका साथ ये हमारे ऊपर यहाँ पर लागू नहीं हो पा रहा है। 50 दिन होते होते भी अभी तक ये हमारा कोई भी संज्ञान पूर्व सैनिकों का सरकार के द्वारा, जो केंद्र की सरकार है, चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे माननीय रक्षा मंत्री जी हो, महामहिम राष्ट्रपति जी हो, तो ये क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसी से हमारे पूर्व सैनिक सभी भाई दुखी है और ये हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे कुछ वो है सरकार। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? अगर सरकार मोदी जी ना जवान के लिए कर रहे हैं ना किसान के लिए कर रहे हैं, तो किसके लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? अडानी के लिए अपना बेटा है ना गोद लिया होती, उससे लिए कर रहा है मोदी। लेकिन वो उसका बेटा रो सब जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, छोटे में आज देश का सैनिक क्यों जागा है? हमारे साथ भेदभाव पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार इतना ज्यादा भेदभाव कर दिया कि हमको बिल्कुल बर्फ में लगा दिया है। हम ही नहीं, यहाँ बैठे हो नहीं, गांव में जो बैठे हैं सैनिक जाग चुके हैं और सैनिकों ने आपको, मैं तो मोदी से कहता हूँ कि आपकी आवाज़ सुने और सुन ले।
मोदी जिन पे आवाज नहीं, जो मीडिया वाला आवाज नहीं पहुंचा रहा है वो गुमराह कर रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं मोदी को। मोदी के आपसे पूछ लेना चाहिए कि आवाज क्या है, शायद बंद से आए, वरना मोदी की हालत होगी। मोदी मीडिया, मोदी सलाहकार मोदी को गुमराह कर रहे हैं या वो जानबूझ के हो रहा है। हम आपको क्लियर कह देते हैं, 14 रेवाड़ी रैली में 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में रैली हुई थी। मोदी ने कहा था कि आज हमारे देश के सर कट के आ रहे हैं, गलती सीमा में नहीं है ना सेना में, दिल्ली में। हमने सोचा कुछ करेगा लेकिन वो तो उल्टा हो गया, यहाँ तो 20-20 को मारा जा रहा है। तो मोदी जी के पास आप लोग ये आवाज पहुंचा दें, देश जा चुका है। मोदी जी के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं लेकिन मोदी जी दोबारा सत्ते में आए, दोबारा प्रधानमंत्री बने और अमित शाह कह रहे हैं कि वो इतना अच्छा काम किए हैं कि अब तिवारा भी तीसरी बार भी सरकार मोदी की आएगी। कौन कहता है मोदी जी आएंगे? होम मिनिस्टर कहते हैं, वो तो कहेंगे, वो सब मोदी मीडिया, उनका मीडिया वो भी कह रहा है, वो कह रहे हैं हमने यहाँ कहा कुछ नहीं। विदेश में जाते हैं लोग गालियाँ देते हैं, ताली तो गालियाँ देते हैं और वो सुना देते हैं कुछ और, बोलो हमारे खुश हो रहे हैं। मोदी जी विदेश में मोदी जी को गाली दे रहे हैं, उनके उनका तो संबंध अच्छा बना रहे हैं मोदी। ये मीडिया चला रहा है मोदी को, कहीं कुछ नहीं है मीडिया, मोदी के साथ कुछ नहीं है आज के दिन। अभी थोड़ा ईवीएम वाला चल रहा है, अगर ईवीएम वाला हो गया तो आने वाले समय में वही बीजेपी फिर 3 पे चली जाएगी। अगर यही हाल रहा, किसान दुखी, जवान दुखी, मजदूर दुखी, नेता दुखी, उसके अपने नेता दुखी। मोदी जी का एक काम है, पैसे किधर से छीने जाए, चाहे ईबी सीबीआई से खरीदे। मोदी जी के पास परिवार नहीं है, उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दी और अब पैसा लेके क्या करेंगे? दो बेटे बड़े बड़े हैं अंबानी और अडानी, वही तो उसको जहाज में बैठाते हैं, वही तो सब करते हैं। क्या करना मोदी को, अच्छे सूट पहनना, अच्छा रहना है, वो कर रहे हैं। मोदी जी को क्या करना, जब मोदी जी के परिवार ही नहीं है, जो अपने बीबी को और माँ को नहीं संभाल सकता वो देश को संभालेगा? ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं तो कहूंगा बीजेपी के सांसदों से, यदि अगली बार आ गया तो ये छापे ईडी और ईडी के जो डाल रहा है इन पे नहीं, अगली बार पैसा कहाँ से लाएगा? विपक्ष को तो अभी लूट लेगा, अगली बार उनको भी यदि गलती से आ गया तो बीजेपी के सांसदों को भी लूटेगा। बोलने गलती से आ गया तो अब आएगा कौन? राहुल गांधी की सदस्यता तो चली गई, अब कौन आएगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या सदस्यता चली गई, कौन कहता? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र ने कुछ नहीं की है। राहुल गांधी शिक्षित आदमी, हम भी राहुल गांधी को जो पप्पू कहते करके कर उसने उसको पप्पू नहीं बना दिया है उसको। राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री है, कोई रोक लेना। मैं कहता हूँ अगला राहुल गांधी प्रधानमंत्री, मेरा अनुभव है 60 साल का। मैं क्या करेंगे अगर प्रधानमंत्री आपकी बात नहीं सुने तो? हम उन्होंने नहीं सुने, मत सुनो। हम नहीं सुनेंगे तो जब भी आप कह रहे हैं 4 में गुस्सा गया, 5 में गया, 6 में गया, आप में जाओगे धीरे धीरे असली का पता तो चलेगा ना, चोरी कहाँ हो रहा, देश जागेगा। मोदी, मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी कहीं अंबानी उनकी तरह से भगौड़ा ना हो, मोदी भगेगा। मोदी ने अपना पूरा देश मोदी में हो चुका है, मोदी में। कहाँ बताओ ना मुझे आप, कहाँ मोदी में है? मैं तो कहीं नहीं सुनता हूँ, मैं कहीं नहीं सुनता हूँ। हम किसानों के धरने में मेरे, जवानों के मेरे, कहीं देश को हिंदू राष्ट्र दे रहे हैं मोदी जी, हिंदू राष्ट्र। भाई पूरा सब प्रधानमंत्री हिंदू, दूसरे रक्षा मंत्री हिंदू, सब हिंदू है, हिंदू है। फिर और कौन सा हिंदू राष्ट्र सही है? खतरा है हिंदू को। किसका खतरा है? अल्पसंख्यक मुस्लिमों को खतरा नहीं है, हिंदू को खतरा नहीं है, खाली उनको खतरा है, बाकी को हमको तो कोई खतरा नहीं है, हमें तो कोई खतरा। मैं सैनिक हूँ, हम मोर्चे के अंदर मुसलमान हिंदू दोनों मिलके लड़े, और कहते हैं ना उसको मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम मोहनलाल है। पाकिस्तान में हम लड़े लाल बहादुर शास्त्री की जय हो, बांग्लादेश में हम लड़े इंदिरा गांधी की जय हो, हम यहाँ पे, मैं खड़ा था यहाँ, मुसलमान खड़ा था, सामने वाला मुसलमान था, उस मुसलमान को इसने पकड़ा। सबसे ज्यादा अगर लड़ाई में आज कौन मुसलमान ज्यादा है? मुसलमान आज ज्यादा है। और मोदी जी चाहता है ना, अग्निवीर भी मोदी जी की एक चाल है। कौन सी चाल है? कि हम पहले 100 को भर्ती करेंगे, 100 को भर्ती करके 25 को रखेंगे, 75 को निकालेंगे, वही कौन को निकालें? क्यों निकालें भाई? जब भर्ती कर लिया 100 को करोड़ 4 साल के बाद क्यों निकाल रहे हो? वहाँ भी बहुत बड़ा धोखा है, वो भी बहुत बड़ा धोखा है। सब मोदी कुछ नहीं, मोदी को अंबानी अडानी को पैसे चाहिए, मोदी ने सब कुछ और कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज देश के अंदर हस्ती है, ये सैनिक जो जगह है खाली अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि देश के भ्रष्टाचार का यहाँ से खत्म होगा। हम आज आपके मध्य 50 दिन हो गया, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं ना,
हमारी तनख्वाह कम करो मोदी जी, पैसा कम बंद कर दो हमारी तनख्वाह, हम का ऑफिसरों की बंद करो, नेताओं की भी बंद करो, या तो भेदभाव तो मत करो, बराबर करो भाई। हम नहीं कहते कि ऑफिसर को ज्यादा नहीं मिले, मिलना चाहिए, लेकिन कोई लिमिट तो है ना, जो मर्जी आए थोड़ी उसको दे दिया, चाहे जिसका उधर दे दिया, दे करके खर्च करके। तो अफसरों के अपने अपने सीनियर अफसरों के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग उनका समर्थन भी तो नहीं मिलेगा? किसका समर्थन? अरे आपके जो ऑफिसर्स हैं उनका। देखिए वो अच्छा हो गया, माइक और मंच गलत लोगों का था, मीटिंग हम करते थे, ऑफिसर जाते थे, मोदी चालाक है, उसको थोड़ा दे दिया, वो मान गए कि हमको है, अब माइक और मंच नहीं बात करेंगे। अभी आप कह रहे हो 50 दिन हो गया, क्यों नहीं मोदी बात कर रहा? मोदी को पता है ये बात करेंगे, मैं जवाब नहीं दे सकता, ऑफिसरों को बुला के हो तो जवाब दे दिया उनको। अभी कभी मोदी ने इतने साल तक कभी मीडिया से बात किया क्या? अरे राहुल बेवकूफ, उसको एक बात का जवाब दे रहा है क्या वो? राहुल ने 10 बार पूछ लिया कि अडानी अंबानी का, तो वो नहीं बता रहा है, देश का प्रधानमंत्री, वो किसी को जवाब दे ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ ये बुजुर्ग पूर्व सैनिक है, इन्होंने मोदी तक पहुंचा दो। जी, ये जो है 50 दिन से ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे पास में ही संसद है और अभी तक इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, अभी तक इन पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, 50 दिन बीत चुके हैं, जहाँ पे एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम जवानों से, किसानों से, गरीबों से ही हम हैं, वहाँ गरीबों के, किसानों की और जवानों की ये हालात है, ये है राम राज की सच्चाई, ये है हिंदू राज की सच्चाई, हिंदू राष्ट्र की सच्चाई। एक तरफ जवान कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो शहीद होते हैं उसमें कई मुसलमान भी होते हैं, कई हिंदू भी होते हैं, ये सिर्फ राजनीति का एक जरिया है, जो राजनीति की पट्टी लगा के वोट लेने का काम करते हैं। आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और एक बात और, आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक इनकी मांगें पूरी की जाएंगी? आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।